तो गाइस मैं शिवा शर्मा और एक बार फिर ब्लॉग में, और आज हम आए हैं कौन सा ये क्या चीज़ है पटना पक्षी बिहार। तो यहाँ पे पक्षी हैं बहुत सारे, मेरे पीछे देख रहे हो बोर्ड लगे हुए हैं। तो ये नया बना है, यहाँ घूमने आए हम, तो दिखाते हैं आपको। ये देखो ऐसा व्यू है यहाँ का, तालाब है, वहाँ पक्षी रहते हैं अलग अलग। ये हमारी पलटन बैठी हुई है यहाँ पे, पहली टिकट कटा के आ चुके हैं, 30 रुपये टिकट है। ये अपनी गैंग आ चुकी है यहाँ पे, पहली टिकट कटा गई, टिकट कटा दी, क्या बात है, टाइम वेस्ट नहीं करते। तो लंबा बहुत है ये, नहीं था कि यहाँ पेड़ लग रहे। अच्छा ये यहाँ पे तालाब है, तालाब को इन्होंने पक्षी के लिए बना दिया, बहुत बड़ा है यहाँ से यहाँ तक। पक्षी उठे पटना पक्षी बिहार, बिहार है बिहार है, पटना पक्षी है, और पक्षी आए बहुत सारे यहाँ पे। देवी से लेके आया हमें, नया बनाया अभी कुछ महीने हुए हैं, तो घूमने आए हैं। 20 रुपये और पार्किंग की सुविधा, पल्ली पार्किंग ऐसी भी होता सुविधा टेम्परेरी, खाने पीने का अंदर लाने नहीं देते, तो भी आए भाई, हाय कर दो सारे, देखने पक्षियों, ठीक है भाई दिखाते हैं। तो यार इतने सारे बड़े हैं, लेकिन हम कैमरा लेके नहीं आए, कैमरा लेके आते तब पता चलता, तो वीडियो शूट होता बढ़िया। अलग अलग पक्षी है ना, क्या नाम है इसका, तो आगे आगे आओ यार तुम, मैं ब्लॉगिंग ऐसे करूँगा, तभी तो ब्लॉगिंग होगी। देखो चिप से दिखा रहा है, तू आ गया मैं पीछे से ब्लॉगिंग में। तो गाइस ये सब जा रहे हैं हमारी पलटन, हाय कर दो पलटन, और मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा ना है, यहाँ व्यूज बहुत बढ़िया है, व्यूज बहुत बढ़िया है, और पक्षी चिप्स दिखा रहा है, चिप्स खाने के लिए, खाना नहीं है भाई चिप्स अभी, चाय के साथ हैंग कर है। इतना घूमो भाई, कोई घूमो, 10 फुट चलना है, ये गिद्ध है भाई, तो कैमरा लाना पड़ता है भाई, कैमरा से हुई शूटिंग बढ़िया भाई। हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल एंड में, यहाँ से रास्ता है बंद, अभी बना नहीं है, यहाँ से बहुत बढ़िया है, 100% कर दो मेरे पीछे, 100% कर दो, ये देखो ये हमारे नीचे खड़े इंतजार कर रहे हैं ऊपर आने का, नहीं आने नहीं देंगे हम, चले
धीरे धीरे ऊपर चढ़ के आ रहे हैं और सामने गाय हैं। है तो बहुत बड़ा ही है ना, पूरा एक कॉलोनी बच जाएगी आधी। आधी कॉलोनी बच जाएगी पड़ोते पूरा सिस्टम। और जूम करके दिखाए पक्षी उड़ रहे हैं, देखो खा के और जिम में रख लिया और दिखा दी ये ले, वहाँ दिखा दी ये ले। तो गाइस यहाँ पे झूले बूले भी हैं बच्चों के लिए और बड़े भी झूलते हैं। ये देखो ये झूल रही है, सबकी वीडियो सेकंड सेकंड की 20-20 30-30 सेकंड की लगा देना। बन रही है तो वीडियो, टेंशन मत ले, तू फटाफट झूल, तेरे नंबर आ गए, नंबर आ गए फटाफट, जल्दी जल्दी उतरो यार, जल्दी टाइम नहीं है, जल्दी आओ फटाफट जल्दी ना, दो पे एक साथ हो जाएंगे, समझ में नहीं आ रहा। हो जाएंगे फटाफट फटाफट, चलो चलो जल्दी जाओ, जल्दी दोनों बैठो, वीडियो तो चालू है, कोई दिक्कत नहीं, वो कटिंग कर दे, ये बड़ी है और ये पीछे की आई है अभी। हां ये क्या लग रहा है, ये झूला झूलते हुए हमारे ग्रुप के यार लचक रहा है, लचक जाएगा ये, लचक रहे बस बस जल्दी जाओ, तू जा, तुम दोनों जाओ जल्दी, जाओ जल्दी फटाओ, जाना तू जाना, जल्दी जाने ना, जल्दी जाओ फटाओ, कर आई तू जाना, जा फटाफट झूले में, तो वैसे बैठ जाओ थोड़ा सा आराम से झूले, लेकिन हल्का से हल्का से, बस ऐसे बस झूला झूल लिया भैया इन दोनों ने, और हमारी बारी है, पकड़ ब्लॉग में झूला झूल लिया, बच्चे हैं, बच्चों का यार वो बड़े का थोड़ा ना बना लो, ये देखो राम बैठ जाओ, देखो अरे ये मस्त है यार, हाँ ये मस्त है, ये बेटे देखो क्या झूला मस्त है, पैर मारते जाओ झूलते जाओ, ये देखो टाणा दे झूल, आ बैठो जाओ, दो सीट खाली है, ये देखो हमारी पलटन, हाय कर दो, तुम उल्टा करा रहे हो, फेस अपना ऐसे घुमाओ, फेस ऐसे घुमाओ, सब आएंगे फेस में, अब करते जाओ हाय हाय, हम धक्का मारे आगे, और ये स्लो मोशन में नहीं चल रहे क्योंकि धीरे धीरे भागना पड़ रहा, पीछे स्लो मोशन में चल रहा है धीरे धीरे, तभी तो वीडियो तो कैसा लगा, पक्षी हैं, पंछी पक्षी विहार है, बढ़िया भैया, पक्षी तो बढ़िया है, बाकी पक्षी नहा धो रहे हैं अपनी जगह, और हमें ये देखो दिखाते हैं पक्षी कैसे, ये दो मिले हैं बहुत देर में, जूम करके दिखाते हैं, लॉक कर रखा है जूम, हो गया लॉक नहीं,
ये भाई साहब पक्षी में पक्षी में एक गिद्धा पीछे जूम थोड़ा बढ़िया कुछ ज्यादा ही वजन है तुम्हारे में बहुत पक्षी है यहाँ पे लेकिन दूर दूर है तो दिखने के जूम करके थोड़ा बहुत दिखा दे घूम लिया हमने और टोपा लगा लिया हवा लगी ठंडक आज आज बहुत घना कोहरा था तो सुबह सुबह टाइम नहीं मिल पाया तो अब निकले हम तीन कितना बजे निकले 3:30 बजे निकले हम साढ़े तीन बजे निकले चल चुके हैं एंड पे आ गए हैं गेट है मैं और वहाँ से निकलते हैं बहुत पश्चिम बाजार घूमे और बहुत बड़ा है रात से शादी कल होने के बराबर तो निकलते हैं वहाँ से हम ये वीडियो कैसी लगी हो तो बताना कमेंट में ऐड करना फॉलो करना और सब्सक्राइब कर देना तो निकल गया तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं देवेश के खेत में और ये पीछे तो ये पूरी टीम पहुंची है हम दिखाते हैं कैसी टीम पहुंची है ये हाय कर रहे हैं सारे ये देवेश का खेत है वहाँ से लेके कहाँ तक है तो पेड़ खड़ा वहाँ तक तो पेड़ खड़ा है वहाँ तक प्यारी लगी कितने कितने बीघा खेत है 4 बीघा खेत है चारी लगी है साइड से और वहाँ तक तो पेड़ तक है इसमें गेहूँ उग रखे हैं अभी और ये उगेंगे फरवरी तक है फरवरी मार्च तक मार्च में कटेंगे जाके अभी उग जाएगा तो घास के लिए और ये भी गेहूँ उग रहे हैं दूसरे खेत में देखो ये हाथ से करे हैं एक और ये करे हैं मशीन से पता चले मशीन से हाय कर दो बस अब बहुत है तो मठा बना रही हैं सुवानी तो लेनी वीडियो अभी लेंगे तो मठा बना रही हैं दीदी देखो दीदी हाय ये देखो कैसे फेंका जा रहा है लस्सी अरे भैया देखो दीदी बना रही है ममता तू आ बना फटाफट बनाने दो पहले जल्दी आ फटाफट जल्दी आ जल्द क्योंकि ज्यादा सेकंड हो जाएगी मुझे तो बनानी नहीं आती दो बार फेंटा मार दे बस फिर मैं आऊंगा फिर फेंटा मारने देखो अब ममता बनाएगी देखो फेंटा मार पहली बार बना रही है चला तो दूसरी बार रही पीछे हो जा पास ही पास चलाएगी देखो अरे फैट दियो भैया ममता ने फैटा मार दियो है लोई लोई तो निकली ना लम्बे मार लो मेरी बना
मैं मार तो दे फैट मार के निकालता हूँ बोले मक्खन निकाल दो दिखा दो ना मक्खन तुमने तो सारे मक्खन निकाल दो जब बैठते ही ये देखो बन गई मक्खन मक्खन हाँ तो भाई थोड़ा थोड़ा देख लो हमने निकाल दिया मक्खन कैसे ना निकलो बता ला तिलको हाय ये शिवानी है मेरे नाम पे ही रखा है नाम इन्होंने शिवानी शर्मा दोनों आज 1300 जरूर बनाऊंगा ये सब्जी बन रही है बैगन आलू की चूल्हे पे गर्मा गर्म और ये बंसी है मैं तो बनाऊंगा मैं तो बंसी हाय गद्दा हाय बाय बाय कर दो किसी तो कर दो किसी कर दो पप्पी दे दो पप्पी ऐसे फ्लाइंग किस ये बात है बढ़िया चलो ठीक है गाइस अब बहुत बढ़िया बनाई वीडियो बस अब तेरे को पसंद नहीं आया तो क्या करूँ बता यार बोल तो सही तो गाइस मैं ममता शर्मा कितना लीटर दूध है ये 5-3 लीटर है ना इसमें पानी भी तो डाला है 1 लीटर दूध का है ये पानी भी डाला है 4 लीटर हो गए फिर 1 लीटर नहीं ज्यादा था ना 1 लीटर से ज्यादा दही था 250 ग्राम तो निकल जाएगा मक्खन पुश कर दो मक्खन निकाले ना बाल्टी में सो गाइस ऐसे बोला गाइस सो गाइस देखना कितना सारा मक्खन मुंह में तो पानी आ गया यम्मी यम्मी ये देखो है बन गई मक्खन की पूरी खाओ भाई खाओ मक्खन खाओ चाहे पराठे पे लगाओ चाहे आलू की रोटी पे लगाओ या नमक की रोटी पे आए हाय ए पूरो है वो ले 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 हम ना से चल दिए सारा पैक वैक हो गया सामान तो बंसी बंसी बाय बाय चलते हैं मैं ठीक है और अब यहाँ से निकल रहे हैं गांव से मई के नगले अलीगढ़ में तो मिलते हैं फरीदाबाद सब ऐसे ठीक है भाई तो हम पहुँच चुके हैं पलवल ये पलवल का पुल है और हम नीचे खड़े हैं पलवल अभी पार करने वाले हैं सीधा अलीगढ़ से हमने पलवल पे ही बनाया ब्लॉग रास्ते में बनाए और हम निकलेंगे फरीदाबाद के लिए यहाँ से थक गए हैं बिल्कुल एकदम हालत
खराब है भाई, बाइक चला चला के अब लोग का एंड होगा फरीदाबाद जाके। तो भाई बने रहना वीडियो में, ठीक है। आखिरकार हम पहुंच ही चुके हैं अपने घर पे, तो ये है और ये हम भी घर पे हम पहुंच चुके हैं। तो गाइस ब्लॉग अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बहुत मस्ती करिए। पूरे 20 दिन हो गए मैं घूमते घूमते और लास्ट आज हम घर पे। तो अगले मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, कहाँ का टूर बनता है। ठीक है बाबू, बाबू भी घूमा है बढ़िया तरीके से, बाबू भी अलीगढ़ शादी में घूम के आया। तो ओके, बाय बाय।